आखिरकार पवन सिंह से पंगा लेना भारी पड़ गया जॉन इब्राहिम को। जी हाँ, जॉन इब्राहिम और पवन सिंह की फिल्म एक ही थिएटर में लगी थी। इन दिनों जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 रिलीज हुई है, जिसकी काफ़ी चर्चा पूरे देश में है, लेकिन बिहार में डंका बज रहा है पवन सिंह का। जी हाँ, पवन सिंह की फिल्म बॉस अभी तक सिनेमाघरों में चल रही थी। जैसे ही सत्यमेव जयते 2 रिलीज होने को आई, तब सिनेमाघर के मालिकों ने ये डिसीज़न लिया कि बॉस को वो मॉर्निंग स्लॉट देंगे और 2 स्लॉट यानी कि आफ्टरनून और इवनिंग का स्लॉट रखा जाएगा सिर्फ सत्यमेव जयते के लिए, क्योंकि ये एक हिंदी फिल्म है और इसमें बड़े सेलिब्रिटी हैं, इस वजह से इसको 2 स्लॉट। लेकिन 2 दिन में ही सत्यमेव जयते का कुछ खास बिजनेस नहीं हुआ, जबकि वीकेंड में फिल्म रिलीज़ हो रही है तब उसका ये हाल है। तो ये सब कुछ देखते हुए अगर फिल्म ने संडे तक बिजनेस अच्छा नहीं किया तो फिर से बॉस फिल्म को 3 स्लॉट दे दिए जाएंगे। तो आप कह सकते हैं पवन सिंह ने बाजी मार ली है सत्यमेव जयते के ऊपर। तो आप कह सकते हैं पवन सिंह की फिल्म बॉस भारी पड़ी सत्यमेव जयते 2 पर, और इस फिल्म ने अगर इसी तरह से बिजनेस किया, मॉर्निंग स्लॉट में भी बॉस ने अच्छा बिजनेस किया, तो उसको फिर से बिहार के सिनेमाघरों में 3 स्लॉट में रिलीज़ किया जाएगा, फिर से इस फिल्म का कहर इसी तरह से बरपेगा। वैसे आपको यहाँ ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि बॉस को रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग ये 2 हफ्ता है बॉस का, और अभी भी बड़े धड़ल्ले से बिहार में चल रही है। तो क्या कहेंगे इसे, पवन का जादू या फिर पवन के फैंस का क्रेजीनेस? भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।